इधर आगे को भाई इसी तरफ को आ रहा है। चुप चुप करते भाग भाई भाग ले। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आपका भाई आया है एक और न्यू हॉन्टेड लोकेशन पे। ये लोकेशन एक रेलवे स्टेशन है। इस पे आज आपका भाई क्यों आया है सब कुछ बताएगा। आज मैं अकेला नहीं, एक भाई को लेके आया हूँ। जो रेगुलर भाई आता था वो नहीं, दूसरा भाई लेके आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, उसके बाद ये आने के लिए तैयार हुआ है। शायद ये कैमरा सही से ना चला पाए, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको कुछ मत कहना, क्योंकि यार ये पहली बार आया है। ठीक है, तो भाई एक बार इस तरफ दिखा दे, दिखा भाई। तो मैं इस लोकेशन पे इसलिए आया हूँ, यहाँ पे बताया जाता है एक किन्नर की आत्मा दिखाई देती है। उसके साथ क्या हुआ था और वो क्यों दिखाई देती है वो सब कुछ बताएगा आपका भाई। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यार पास में ही हाईवे है, शायद आप लोगों को बस ट्रक गाड़ी मोटरसाइकिल की आवाज़ आ सकती है, आ रही होगी। तो आगे बढ़ने से पहले और अब बताता हूँ दोस्तों उसके साथ क्या हुआ था। यार जो किन्नर होते हैं आप लोगों को पता ही, यार ट्रेनों में मांगते हैं यार 10 रुपये 20 रुपये ऐसे ही। तो एक दिन क्या हुआ यार, यहीं पे आगे चल के एक ट्रेन जो यहाँ पे रुकी, उसके बाद किन्नर लोग घुसे मांगने लगे। यार कुछ लोग थे यार शराबी, वो 4-5 लड़के थे, उन लोगों ने शराब पी रखी थी। जब उनसे किन्नर पैसा मांगने लगे 10-20 रुपये, तो यार उन लोगों ने मना कर दिया। शायद शराब यार 500 की पी जाते हैं, 1000 रुपये की पी जाते हैं, लेकिन 10-20 रुपये नहीं दे पाते हैं। तो उन लोगों ने उसके साथ मतलब कि वो जब ज़बरदस्ती करने लगा, किन्नर बोलने लगा दो हम जाएंगे नहीं ऐसे, तो उन लोगों ने जब ट्रेन चल दी उसको धक्का दे दिया। या जब ट्रेन चल दी कुछ स्पीड में हो गई ना, तो धक्का दे दिया। यार बताओ 60-70 की स्पीड में ट्रेन होगी, जब कोई नीचे गिरेगा तो यार कैसे बचेगा। जब उन लोगों ने धक्का दे दिया उसके बाद किन्नर यहीं पे गिरा और उसकी यहीं पे मौत हो गई। अब बताते कि वो किन्नर आज भी यहाँ पे इंतज़ार करता रहता कब ट्रेनें निकले, कब यार क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों को दिख चुका है, तभी मैं आज अपने साथ पीके भैया को लाया हूँ, जो कि शायद आएंगे आज। दोस्तों आज जो मैं लोकेशन पे, और पीके भैया कैसे हो, जिस लोकेशन पे हम लोग आए हैं ये हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई ने ही हमें फ़ोन करके बुलाया था कि आओ इस लोकेशन पे। भाई बता दे क्या क्या यहाँ पे कैसे क्या। अरे यहाँ भाई हमको दिखता है ट्रेन किन्नर आता है और सबको डराता है बेवजह, कोई निकले यहाँ पे। तो उसे बताते हैं कि 4-5 लड़कों ने उसको धक्का दे दिया था ना, यहीं जो बताते हैं आसपास के गाँव उनको भी परेशान कर रखा है। दोस्तों यार आप लोगों के यहाँ भी ऐसी रेलवे स्टेशन होंगी, मैं नहीं कहता नहीं होंगी, आप लोग भी शाम को वहाँ पे टहलने के लिए जाते होंगे, क्योंकि यार कोई ये बहुत बड़ी स्टेशन है नहीं, छोटी सी है, आप लोगों चले जाते होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है, पास में हाईवे है, यार कुछ भी हो सकता है। हम तीनों भाइयों को कोई मदद करने वाला नहीं है। तो भाई बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं वहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं।
भाई ज़्यादा पीछे मत चल ठीक है, क्योंकि यार हमला भी कर सकती है इन आत्माओं पर, कोई भरोसा नहीं कब किस पे हमला कर देगी, ऐसा का पास नहीं होने वाला ठीक है। तीनों लोग पास में पीछे लगाया क्या है पीछे भाई आ जा तू देख के रहना तू अब भाई क्या है यार पीछे उसपे क्या था यार दोस्तों, यार ऐसा लगा कि कोई यार इस पर बैठा है, जब यार कोई टूटा तो इस पर आवाज़ आई ना भाई, तुम्हें तो सुना था आवाज़ आई थी बहुत तेज से भाई, हमें तो बहुत डर लग रहा है भैया, डरेगा तो यार कैसे दिखा पाएंगे यार, मैंने पहले ही बोल दिया था डरना मत यार भाई, चल यार कोशिश कर यार डरे मर गए, डरे तो इसके साथ रहे ठीक है, कोशिश कर ठीक है। ओए क्या भाई पलका ये देख यार ये डाल हिल रही आप लोगों के सामने, ये देख ये देख रुक रुक जूम करते हैं, ये वाले हिल रही थी भाई जो के दिखा दिया था, देख लो यार इस पे, इस पे वैसे भी लगता कि यार और सारी आत्माएं होंगी इसके अंदर, ये अलावा ऊपर लगा भी नीचे से ऊपर तक, ओए क्या है अंतर भाई पीछे लगाया क्या था, तुरंत लगाया क्या यार, वरना कोई बोलेगा कि तेरा ही आदमी होगा ना, जहाँ से आवाज़ आए ठीक है तो तुरंत लगाना पीछे, कम एक दो ट्रेनें इसमें निकलती हैं, वरना ट्रेनें निकलना बंद ही नहीं कर रहे यहाँ पे, तो ज़्यादा बड़ी स्टेशन नहीं है आप लोग इससे ज़्यादा लगा देंगे, वो भाई क्या यार इसमें यार पेड़ भी यहाँ पे कितने बड़े बड़े लगे हैं भाई, ऊपर यार यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पर भाई उस पर कुछ है, उस पर कुछ दिखा हमें वहाँ पे, आगे 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 हम नहीं जाएंगे भैया, हाँ भाई तू आ इस पे वहाँ पे उस जगह पे उस पे हमें दिखा, हमें दिखा, लेकिन अब तो गायब हो गया है जो भी चीज़ अभी था पर था भाई, हमें बहुत डर लग रहा है भाई, पीछे लगा पीछे, वो देख क्या है, वो देख आगे बढ़ा के आके भाई, चलो चलो रुक तो देख के ये देख यार तू भाई पीछे रहना ठीक है इसके, ए देख ए रुक भाई रुक यहीं से जूम करते हैं, ए देख क्या है, ए कुछ बैठा है, ए भाई निकलो यहाँ से, रुक तू पीछे है ना ठीक, रुक जाता मत आ कौन हो
यहाँ 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 पे आवाजें सुन, जब मैं तालियां बजा रहा है, तालियों की आवाज आ रही है, सुन है शायद यहाँ पे हाईवे रोड है, आवाज नहीं आ रही होगी तालियों की, लेकिन ये देखो आ रहा है जो चीज है आगे कोई भाई इसी तरफ को आ रहा है रुक चुम करते हैं जो ए भाई भाई चला पीछे चल पीछे 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 जो चीज़ है वो आ रही है यार थाली बजाते हुए भाई ठीक है भाई तू पीछे रहना ठीक है इसके यार काफ़ी भाई क्या भाग भाई भाग ले कर देगा भाई दिखा ये वो चीज कहाँ गई यार ठीक है भाई भाई हमें डर लग रहा है बहुत ज्यादा निकल लो यहाँ से टाइम जाए वो चीज गई तो हाँ यार भाई मत जा वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है वहाँ पे रुक तो थोड़ा भाई चल आगे बढ़ के देखते हैं तो पीके भाई आ गया अब इस भाई हमें देख वो देख वो पीछे चल पीछे वो चीज गायब नहीं हुई थी उस पेड़ के पीछे थी पीछे चलना है यार तू पीछे चल यार भाई आ जा तो इसके पीछे ही रहना ठीक है तुझे डर लगता है चला थोड़ा एक बार चलते हैं लेकिन इस बार तू झूम करके पास से दिखा देना ठीक है भाई तू इसका ध्यान रखना ठीक है भाई वो आँख चमक रही है उसकी भाई 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 भाग भाग भाई भाग 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 रुको रुको दिखा 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 वो देख चालियों की आवाज़ है साथ में है रुक रुक झूम कर झूम भाई भाई झूम कर बहुत डर लग रहा है मैं ये देखो अभी भाई पीछे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यार यार भाग भाई भाई लगा 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 ओ यार फिर गायब क्या किया जाए भाई भाई निकल चलो यहाँ से चल निकलते बहुत डरावनी जगह है डरना लग रहा बहुत ज़्यादा लग रहा है यार तो फिर आओ निकलो भाई निकलो चल चलो वो चीज वो देख उसके पीछे भाई हमें डर लग रहा है भाई भाई पीछे चल पीछे पीछे चल यार वरना अटैक कर दे गया भाई चल यार निकलते हैं यहाँ भाई भाग भाग भाई भाग भाई दोस्तों यार हम लोग आए थे यार कैमरा मैन बिल्कुल नया था उसको इतना ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था जो भाई आया था पीके भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया है तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं ठीक क्योंकि यार हम अकेले आए थे ना तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर से दिखवा देते हैं क्योंकि यार भाई लोग पहली बार आए तो इनको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था पहली बार ये लोग बोल रहे थे कि नज़दीक से देखा ऐसी चीज़ें तो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है
हो सकता है कि अगली बार आए ना तो आप लोगों को नजदीक से